हेलो बेसन गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आई हैव अ न्यू आइडेंटिटी। वीकली के पिछले एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पे जीजी आई थी और उसको बहुत मतलब बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया था। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए पहले वो वीडियो देख के आइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है और आप देख सकते हो कि मेन कैरेक्टर ने रात भर में यहाँ पे क्या किया होगा और अपने मन में कहता है क्या मैं यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर अपना गाल खींचने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है और यहाँ पे कोई सपना नहीं है। और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैं यहाँ पे सच में कोई सपना नहीं देख रहा। और फिर मेन कैरेक्टर वहाँ से खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसको देख के यहाँ पे जीजी भी उठ जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठ गए। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। और उसके पास जाते हुए कहता है कि जीजी मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा कि तुमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। तो वो सुनने के बाद जीजी कहती है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तो मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कहता है तुमको पता ना कि तुमने यहाँ पे क्या किया है, तुमको यहाँ पे मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो जीजी होती है एकदम गुस्सा हो जाती है और कहते है कि हाँ तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा ट्राई किया, जाओ और फटाफट से खाना बनाओ। और यहाँ पे जो जीजी होती है यांग की तरफ जाने लगती है और उसके पास जाते हुए कहते हैं कि यांग मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सोने का नाटक कर रहे हो और तुम यहाँ पे फटाफट से उठ जाओ। तो वो सुनने के बाद यांग कहते हैं कि सिस्टर आप सुसंग के साथ ऐसे बातें करोगे तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे उसको फेस कैसे करूँगी। और पहले से ही तुम और सुसंग साथ में थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। तो वो सुनने के बाद जो जीजी होती है वो कहती है कि तुमको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद पता चला कि जो सुसंग है वो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बंदा नहीं है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसके साथ यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सारी लड़कियाँ आ सकती है और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। बस मैं यहाँ पे उसके लिए उसके पिक करने से पहले मैं यहाँ पे पिक कर सकती हूँ जिससे यहाँ पे जितनी भी बुरी लड़कियाँ होगी वो यहाँ पे उससे दूर रहेगी और तुमको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और आज से हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे को सिस्टर बुलाएंगे, तुम यहाँ पे समझ गई ना। तो वो सुनने के बाद यांग कहते हैं कि सिस्टर अब से मैं आपकी सारी बातें सुनेंगी। और सिस्टर मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो लियो यू है वो यहाँ पे सुसंग में इंटरेस्टेड है कि हमको भी उसको हमारे ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जीजी कहती है कि मुझे नहीं पता। और फिर हमको किचन का सीन दिखा जाता है और मेन कैरेक्टर गुनगुनाते हुए यहाँ पे खाना बना रहा होता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह तुमको यहाँ पे किसने इतना ज़्यादा अपसेट कर दिया है। और वो सुनने के बाद जो गर्स्ट गर्ल होती है वो कहती है कि तुमने यहाँ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की, तुमने यहाँ पे मेरा सारा का सारा क्रेडिट ले लिया और तुम यहाँ पे सिस्टर जीजी और यहाँ पे यांग के साथ सोए। तो वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ सोना चाहिए और क्या तुम यहाँ पे मेरी जैसे बड़ी बना सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता, पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, हम दोनों की जो एनर्जी है वो यिंग और यांग एनर्जी है और यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि हम दोनों यहाँ पे साथ में आ सके भले ही हम दोनों एक दूसरे को कितने ज़्यादा लाइक करते हैं। और यहाँ पे वो सुनने के बाद जो घोस्ट गर्ल होती है एकदम गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम पहले से जो घोस्ट होते हैं उनको डिसलाइक करते हो और यहाँ से भागने लगती है। तो वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, पर यहाँ पे जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और वहाँ से चली जाती है। और वो देखते मेन कैरेक्टर कहते हैं इस लड़की का मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे फीमेल घोस्ट को संभालना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तभी मेन कैरेक्टर सामने सिस्टम पॉपअप आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो मिशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका और आपको नहीं पता कि यहाँ पे उसका कौन सा मिशन था। तो जो उसका रेस्टोरेंट है उसको यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फेमस करना था और यहाँ पे जो उसका रिवॉर्ड था उसको यहाँ पे कुकिंग स्किल मिल गई थी परमानेंट। और वो देख के जो मेन कैरेक्टर कहता है कि जो रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर कहता है कि सिस्टम एक्सट्रैक्ट द न्यू आइडेंटिटी और फिर अपने मन में कहता है छोड़े सारी बातों को और अब देखते हैं यहाँ पे मेरी न्यू आइडेंटिटी कौन सी आने वाली है। और यहाँ पे सिस्टम में लिखा होता है कि एक्सट्रैक्ट द आइडेंटिटी इन प्रोसेस और फिर लिख के आता है एक्सट्रैक्ट द आइडेंटिटी सक्सेसफुल और कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको जो न्यू आइडेंटिटी मिली है वो यहाँ पे घोस्ट डिटेक्टिव की है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई थी और वो पढ़ के मैं आपको बिल्कुल भी बोर करने वाला नहीं हूँ तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर को जो एबिलिटी मिली होती है वो यहाँ पे घोस्ट को देख सकता है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर उसका माइंड भी रीड कर सकता है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर का टास्क था उसको यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाके 3 अनसोल्व केस को सॉल्व करने और वो भी यहाँ पे 15 दिनों में मतलब हाफ एन मंथ था। और फिर मेन कैरेक्टर कहते हैं कि घोस्ट डिटेक्टिव अब यहाँ पे मजा आने वाला है। और यार जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।